तत्त्वं च नन्दयानन्दमौ चेयनेनन्दसः परमितात्पदविन्दपौ नमियोऽसि दशभा गुरुवे श्री गोपतिरुहि गोपति ज्ञान सहक तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म ज्योत चिन्हवर हम अर्थ त्यर्थ जो भय विनाश भव जो मुन ममल ज्ञान पर लो देव को गुरु को धन को साची को बारंबार नमस्कार। ओंकार वेदांति श्रोतात्म तत्व प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थ सार्धं ज्ञानमयं साम्यकदर्शिनेत्वं सम्यक्तिचरणं चेतन्निरूपम्। बोलिए सहस्र में शुद्धात्मे देवी की जय हो जय हो जय हो। आचार्य प्रवर सद्गुरु तारण तरमलाचार्य जी महाराज जी की जय हो जय हो जय हो। तृतीमयी शुद्ध जिन देशना की जय हो जय हो जय हो। जिनेन्द्र भगवान का अमृतमय शुद्ध जिन उपदेश। भैया क्या है वो शुद्ध जिन उपदेश? वह शुद्ध उपदेश इतना ही है क्या ओंकार वेदंती श्रद्धात्म तक। यदि इस जीवन में कोई कार्य करना है हर आत्मा के लिए उपदेश है। यदि जीवन में कोई कार्य करना है तो कम से कम वैसे तो निरंतर स्वभाव की शुद्धात्मा की अनुभूति होनी चाहिए, लेकिन फिर भी जगन्य से जगन्य जीव के लिए बिल्कुल कम से कम भूमिका वाले जीव के लिए भी ये कहा जाता है कि इस तीनों लोकों में तुझे कोई कार्य करना भी है तो कम से कम इतना जरूर कर लेना क्या कि अपने शुद्धात्म स्वभाव की अनुभूति कर लेना बस। ओंकार वेदंती शुद्धात्म तत्त्वम, जो अपना अनंत स्वभाव है उसका अनुभव एक बार जरूर कर लेना। ऐसा क्यों कहते हैं भैया? क्योंकि यदि एक बार तूने उसका अनुभव कर लिया, एक बार उस चैतन्य में स्वभाव को अनुभव से प्रकट कर लिया, तो भगवान आत्मा जो निर्वाण का मार्ग है वो अपने आप ही प्रशस्त हो जाएगा। क्योंकि एक बार उस स्वभाव का अनुभव जिस जीव को हो जाता है, शुद्धात्म स्वभाव का, अनंत स्वभाव का वेदन जो भव्य आत्मा कर लेते हैं, वह भव्य आत्माएं कभी ना कभी तो निर्वाण को प्राप्त होते ही। और जो साधक हैं, जो आत्म स्वभाव के रुचिवंत जीव, उनके लिए गुरु महाराज कह रहा है कि प्रमामि नित्यम, ये अनुभव तो अपने को रोज चाहिए, नित्य चाहिए। तत्वार्थ सारधम, अपने तत्व की साधना ये स्वभाव का अनुभव ही है, ऐसे स्वभाव की प्रतीति है, ऐसे स्वरूप का होने वाला बोध ही है जो नित्य बरतना चाहिए जीव को। उसकी चैतन्य में सत्ता, उसके निराकार चेतन में शुद्धात्म स्वभाव का बोध नित्य बरतना चाहिए। नित्य 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 प्रणमामि नित्यम, नित्य बरतना चाहिए। और क्या भैया? ज्ञानम मयम सम्यक दर्शनेत्वं, ये ज्ञानमयी जो अपना अनंत स्वभाव है, सम्यक दर्शनेत्वं, सच्चा दर्शन यदि करना है, यदि आपको किसी का यदि कोई दर्शन करने योग्य है तो वो अपने ज्ञानमय जो अपना अरूपित स्वरूप है, बस वे ही तुम्हारे लिए नित्य दर्शन करने योग्य। यदि तुम देखना चाहते हो, यदि तुम देख रहे हो किसी को, तो तुम परज्ञों को मत देखो, वो ज्ञानमय जो अपना रूप है उसी रूप को देखो बस, क्योंकि वो शाश्वत है, वो अद्वितीय अद्भुत है, वो चैतन्यमय है। और ऐसे रूप को निहारने वाले, ऐसे स्वानुभव को
मोक्ष मार्ग को साधने वाले जो जिज्ञासु भव जीव हैं उनका संकल्प है कि सम्यक्त चरणम चेतन रूपम, कि अब तो एक सम्यक्त में चरण करेंगे। क्यों भैया सम्यक्त के अलावा कहीं चरण क्यों नहीं करोगे? क्योंकि चैतन्य में मेरा रूप ही सम्यक्त है ना, मिथ्या में आचरण क्यों करें? क्योंकि वो हमारा रूप ही नहीं है। पुत्र परिवार दुकान मकान घर गृहस्थी जितने भी संयोग हैं इन मिथ्या काल्पनिक वस्तु में आचरण क्यों करें? फिर क्यों नहीं करोगे? इसलिए नहीं कर रहा है, इसमें आचरण नहीं करने का कारण मात्र इतना सा है कि इन वस्तुओं में आचरण करने के बाद भी ये वस्तु हमारी होने वाली नहीं है, क्षणभंगुर है, पुण्य पाप की वजह से प्राप्त हैं और अब भी आली जब कब कब आंखों के सामने से ओझल हो जाएंगी इनका पता ही नहीं लगेगा। ये कब आंखों के सामने से ओझल हो जाएंगी पता ही नहीं लगेगा, इसलिए इस कारण से कि अचेतन पुद्गल से अचेतन पर्यायों से इनसे प्रेम ना करके इनसे प्रीति ना करके इनका विश्वास ना करके सम्यक्त चरणम चेतन रूपम, चैतन्य में चरण करने का विश्वास करो, चैतन्य में चरण करने के लिए तैयार रहो, तैयार कि मैं चैतन्यमय आत्मा हूँ, चैतन्यमय मेरा रूप, चैतन्यमय मेरा स्वभाव, चैतन्यमय मेरी सत्ता है, चैतन्यमय अनंत गुणों का पिंड में परमात्मा हूँ। बस सम्यक्त चरणम चैतन्य रूप, सम्यक्त चरणम चैतन्य रूप, दूसरी कोई चर्चा ही मत करो, दूसरा कोई चिंता नहीं मत करो, दूसरी कोई भावना ही मत उत्पन्न करो। भैया जो राग द्वेष की भावनाएं आ रही हैं, संयोग चल रहे हैं, संसार में कहने सुनने में आ रहा है, वो सब विभाव परिणति है, उनकी ओर देखो ही मत, दूसरी कोई बात ही मत कहो आप। चैतन्य स्वभाव के अलावा अपने अद्वितीय अद्भुत ज्ञानमयी चैतन्य स्वभाव के अलावा कोई दूसरी बात ही मत कहो आप, कोई दूसरी चर्चा ही मत करो आप, कोई दूसरा चिंतन मत करो, कोई दूसरा मनन मत करो, कोई दूसरी साधना मत करो, कोई दूसरी भक्ति मत करो, कोई दूसरी पूजा मत करो। यदि आपको आराधना करनी है, भक्ति करनी है, पूजा करनी है, वंदना करनी है, जो कुछ भी आपको करना है वो सब कुछ चैतन्य रूप अपने चैतन्य रूप के साथ करो। आराधना करनी तो चैतन्य की करो, भक्ति करनी तो चैतन्य की करो, पूजा करनी तो चैतन्य की करो, तुम्हें जो कुछ करना है अपने चैतन्य स्वभाव में करो, चैतन्य सम्यक्त चरणम सम्यक्त में आचरण करके करो। यदि आप सम्यक्त में आचरण करके सत्य में आचरण करके सत्य में सम्यक्त में आचरण करके सत्य में आचरण करके यदि आप शुद्धता में प्रवेश कर रहे हैं, स्वभाव का अनुभव कर रहे हैं, स्वभाव का वेदन कर रहे हैं, तो वह स्वभाव का वेदन ही आपका रूप है, स्वभाव का वेदन ही आपका रूप है। दर्शनमय ज्ञानमय जानने देखने वाला जो अपना आत्म स्वभाव का वेदन हो रहा है, ज्ञानमय ज्ञानमय ज्ञानमय, वो जानने देखने वाला जो ज्ञानानंद रूप अपने आप को वेदन कर रहा है वही चेतन स्वरूप आत्मा है। जहाँ प्रयोजन भूत अपना शुद्ध स्वभाव अपनी दृष्टि में दिखाई दे रहा है ना, वही अपना चेतन स्वरूप आत्मा है। भैया बाकी सब इस चेतन स्वभाव के अलावा, इस स्वानुभव के अलावा जितना जो कुछ भी दिख रहा है, पर पर्याय पर पदार्थ पर परिणमन, ये सब पुद्गल अचेतन रूप है, सब माया के रूप हैं, सब मोह के रूप हैं। अपना रूप तो एक निराकार चेतन पदार्थ शुद्ध तत्व शुद्ध आत्मा है। अपना रूप तो आनंदमय स्वरूप एकमात्र ध्रुव शुद्ध आत्मा है। ऐसे सम्यक्त में आचरण की रुचि लगाकर, ऐसे सम्यक्त में आचरण का संकल्प लेके, ऐसे सम्यक्त में आचरण मात्र की अंतर में निष्ठा रख के, मात्र सम्यक्त में आचरण की निष्ठा रख के, चैतन्य स्वभाव में चरण करने की निष्ठा रख के, अपने अंदर दृढ़ सिद्धांत रख के कि नहीं चाहे कुछ भी हो जाए, पर पदार्थ स्वभाव अस्वभाव पुद्गल ये मन के होने वाले नाना प्रकार के विकार, कुछ भी चलता रहे, पुण्य पाप का उदय,
लेकिन हमारा काम तो एक है, हमारा संकल्प तो एक जगह का है, हमारा कार्य तो सिर्फ इतना ही है, क्या सम्यक चरणम चेतन, हम और कोई दूसरा काम ही नहीं करेंगे, हम और कोई दूसरा कार्य ही नहीं करेंगे, हम और दूसरी जगह कहीं रुचि ही नहीं लगाएंगे, और दूसरी जगह कहीं हम देखेंगे ही नहीं, स्वानुभव के अलावा अपने निज चैतन्य पद के अलावा और किसी को हम स्वीकार करेंगे ही नहीं। भैया फिर कर्मों को दे चलेंगे तो चलने दो, चलेंगे ही वो, तो जो कर्मों को दे चल रहा है वो चलेंगे ही, जो भाव विभाव चल रहा है वो तो चलेगा ही, उसकी चर्चा नहीं कर रहा है अपन। अपन ने तो कह दिया ना, एक संकल्प ले लिया ना कि जो कुछ भी हो रहा है पर में पर्याय में परिणमन में पुद्गल संयोग में उस सब की ना चर्चा करेंगे ना देखेंगे ना बोलेंगे, फिर सम्यक में आचरण करेंगे, सम्यक में आचरण देखेंगे और सम्यक के आचरण में रत रहेंगे। यदि ऐसी निष्ठा कर ली है आपने अंतर में, यदि अंतर में ऐसी निष्ठा कर ली है आपने, अब गुरु महाराज को चोर कह रहा है, अब गुरु महाराज भक्तिपूर्वक वंदना कर रहा है, अब गुरु महाराज भक्तिपूर्वक बहुमान कर रहा है, किसको, भगवान महावीर स्वामी, वर्तमान शासक शासन नायक जिनके शासन काल में अपन बैठे हुए हैं, ऐसे भगवान महावीर को नमस्कार कर रहा है और बहुत भक्ति भाव से नमस्कार कर रहा है। एकमात्र भगवान महावीर को नमस्कार कर रहा है, क्यों भैया भगवान महावीर को क्यों नमस्कार कर रहा है, क्योंकि उनका शासन काल है, उनके समोषण में गुरुदेव ने इस गहन अमृत को पाया है, अपने शुद्ध स्वभाव के गुप्त रहस्य को उन्होंने प्राप्त किया है भगवान महावीर स्वामी के समोषण में, इसलिए वह वीरनाथ प्रभु को नमस्कार कर रहा है और वीरनाथ प्रभु को नमस्कार करके कह रहा है कि नामामि भक्तम श्री वीरनाथम, हे वीरनाथ प्रभु मैं आपको हृदय अभिवादन करता हूँ, हृदय से अभिवादन करता हूँ, और क्यों अभिवादन करता हूँ, क्योंकि नंतम चतुष्टम तम व्यक्त रूपम, क्योंकि आपने उस अनंत चतुष्टय के उस अनंत वैभव को क्षण मात्र में प्रकट कर लिया है, 48 मिनट अंतर्मुख होकर आपने शुद्ध उपयोग की ऐसी कला को प्रकट कर लिया है, ऐसे ज्ञान अमृत को उत्पन्न कर लिया है जिसकी निमग्नता से साक्षात केवल ज्ञान का सूर्य उदित हो गया है, साक्षात केवल ज्ञान का प्रकाश उदित हो गया है, और वह केवल ज्ञान का प्रकाश जगत के भव जीवों को अज्ञान के अंधकार का, जगत के भव जीवों को अज्ञान के अंधकार उनके दुखों का नाश कर रहा है, वो ज्ञान में आपका जो केवल ज्ञान का प्रकाश है ना, वस्तु स्वरूप का जो प्रकाश कर रहा है, वह केवल ज्ञान का प्रकाश जगत के जीवों में अज्ञान अंधकार का तिमिर नाश कर रहा है, मोह ममत्व इंद्रिय विषय भोगों से उन्हें छूटने की प्रेरणा दे रहा है, संसार के दुखों को, संसार के भयानक दुखों को, संसार की भयानक पीड़ा को हरने में निमित्त बन रहा है। क्या क्या निमित्त बन रहा है, आपके अंदर में प्रकाशित हुआ वह परम केवल ज्ञान, और गुरुदेव वह जो अनंत परम केवल ज्ञान, जो अनंत चतुष्टय आपके अंतर में प्रकट हुआ है, बस वे ही मुझे ललायत कर रहा है आपको नमस्कार करने के लिए, वे ही मुझे ललायत कर रहा है आपकी वंदना करने के लिए, वो ही मुझे उत्साहित कर रहा है आपका अभिवादन करने के लिए कि हे भगवान महावीर मैं आपको भक्ति भाव पूर्वक नमस्कार करता हूँ, हे भगवान महावीर मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ, उसका कारण मात इतना सा है कि आप अनंत चतुष्टय में स्वयं व्यक्त परमात्मा, आप अनंत चतुष्टय में स्वयं व्यक्त परमात्मा है,
आप अनंत चतुष्टय में स्वयं लीन आत्मा है, आप अपनी ऐसी गुप्त समाधि में लीन है प्रभु, जिस समाधि की भावना मेरे अंदर में उदित हो रही है, जिस समाधि को प्राप्त करने के लिए मेरा हृदय ललायत हो रहा है, ऐसे स्वरूप को प्राप्त करने की लालसा मेरे हृदय में उत्पन्न हो गई है। आपको जब मैं गुप्त देखता हूँ, शांत देखता हूँ, शून्य देखता हूँ, सभी शरीर आदि प्रपंचों से मुक्त देखता हूँ, पुण्य पाप की समस्त विभूतियों से जब मैं आपको परे वीतराग और परमानंद में देखता हूँ, तो हे भगवान, आपकी ऐसी वीतरागता, आपका ऐसा अंतर ज्ञान, आपके ऐसा अनंत चतुष्टय का आचरण, वो मुझे प्रभावित करता है। कैसा प्रभावित करता है कि हे भगवान, जैसा अनंत चतुष्टय आपका है वैसा ही तो मेरा है, ऐसी श्रद्धा मेरे पास है ना, ऐसी निष्ठा मेरे पास है ना, तो ऐसी निष्ठा ऐसी श्रद्धा मेरे पास होने के कारण से आपको, आपके स्मरण को करते ही मुझे मेरे ज्ञान को अर्थात मेरे उपयोग को आकर्षण होता है अनंत चतुष्टय की ओर, पापों की ओर आकर्षण नहीं होता, भोगों की ओर आकर्षण नहीं होता। देखो, ज्ञानी जीव को संसार के पांच पापों में आकर्षण नहीं होता, इंद्रिय विषय भोगों में आकर्षण नहीं होता, वह तो पापों को, इंद्रिय विषय भोगों को, अज्ञान को छोड़ना चाहता है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव, सच्चा श्रावक, जैन धर्म में जो सच्चा श्रावक है, वह सच्चा श्रावक पांच पापों को एक देश सर्वदेश अपनी भूमिका अनुसार छोड़ना चाहता है, वो भी निश्चय से स्वानुभूति पूर्वक, सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक। जो सच्चा श्रावक है वह पापों को, व्यसनों को, विषयों को, कसायों को, इनको त्यागना चाहता है, वह इनकी ओर आकर्षित नहीं होता, उनका उपयोग ऐसे अज्ञान भाव की ओर आकर्षित नहीं होता। फिर भैया, ज्ञानी जीवों का उपयोग किस ओर आकर्षित होता है? ज्ञानी जीवों का उपयोग जो परम ज्ञानी है, जो परमेश्वर है, जो जिनेन्द्र है, उनके अनंत अनंत अंतर चतुष्टय को देख के, उनके अनंत अंतर वैभव, गुणों में आचरण, आत्म स्वभाव की रमणता को देख के, शुद्ध वीतरागता को देख के, ज्ञानी जीवों का हृदय, ज्ञानी जीवों का उपयोग ललायत होता है, प्रभावित होता है। क्या, क्यों प्रभावित होता है, कैसे प्रभावित होता है कि प्रभु यही आचरण तो मेरे स्वरूप का है, यही तो मेरी पूर्णता है, यही तो मेरा दैविक प्रमाण स्वरूप है, जो आप में प्रत्यक्ष जानने में आ रहा है, जो आप प्रत्यक्ष वेदन कर रहे हैं, जिसमें आप प्रत्यक्ष लीन हैं, हे प्रभु यही तो मेरा अनंत चतुष्टय में रूप है, यही तो मेरी केवल ज्ञान में सत्ता है। ऐसा आप ही की वाणी से तो श्रद्धान किया है मैंने, उपयोग ललायत होता है ऐसे स्वरूप में चरण करने की, ललायत होता है, अंतर से भावना उत्पन्न होती है कि कब तक पांच इंद्री, भोग, विषय, कसाय इन अज्ञान भाव में अज्ञानता का पोषण करेंगे, अज्ञानता का पक्ष कब तक करेंगे, कब तक अपने अहम का पोषण करेंगे, स्वभाव के नाम पे भी कब तक अपने अहम को बचाएंगे अपन। उपयोग अहम को बचाता है, स्वभाव की ओर नहीं झुकता, स्वभाव का नाम लेके भी अपने अहम को बचाता है, स्वभाव की ओर उपयोग नहीं झुकता, स्वभाव का नाम लेता है, स्वभाव की श्रद्धा की आड़ लेता है और लगा रहता है कसायों में, पापों में, विषयों में, वासनाओं में, अहम की आड़, लेकिन स्वभाव की ओर नहीं झुकता। किसका उपयोग भैया, किसका उपयोग? जिन जीवों को स्वभाव के श्रद्धान की आड़ है, अर्थात सम्यक तो है लेकिन ज्ञान में निर्मलता नहीं है, अर्थात अपने स्वभाव के प्रति प्रेम नहीं है, बहुत गहरी प्रियता नहीं है, बहुत गहरी इष्टता नहीं है अपने स्वभाव के प्रति, उन जीवों का उपयोग स्वभाव के प्रति कठोर बना रहता है, स्वभाव के सामने कठोर बन के खड़ा रहता है, स्वभाव के सामने अकड़ा खड़ा रहता है, मैं तो स्वभाव हूँ कह देता है और स्वभाव का स्मरण रखता नहीं है,
स्वभाव का स्मरण रखता नहीं है, स्वभाव का चिंतन करता नहीं है, स्वभाव में रमण करने की भावना उत्पन्न होती नहीं, अर्थात पुरुषार्थ से चुयुक्त रहता है। सीधी बात ये, पुरुषार्थ से विहीन रहता है और अपने मद में, अपने मन के मद में फूला रहता है। कहीं कसायों में लगा रहेगा, कहीं पापों में लगा रहेगा, कहीं पुत्र परिवार में लगा रहेगा, कहीं लोभ में लगा रहेगा, कहीं स्वार्थ में लगा रहेगा, कहीं काम में लगा रहेगा, नाना प्रकार के सुनने सुनाने के विकल्पों में लगा रहेगा, लेकिन अपने अंतरोन्मुख होने के लिए तैयार नहीं हो। यही है अहम, जो अपने लिए समर्पित नहीं और पर के लिए पूर्ण रूप में समर्पित, जो अपने लिए ललायत नहीं है पर के लिए पूर्ण रूपेण समय, पर के लिए पूर्ण रूपेण समय है और अपने लिए टाइम ही नहीं है। ये अहम है जो जीव को, जीव के स्वभाव को जीव रूप ही स्वीकार नहीं करने देता। अर्थात जीव जैसे स्वभाव वाला है वैसे स्वभाव अनुरूप उसकी दृष्टि को नहीं ढलने देता। क्यों है ये अहम? इसलिए है क्यों? क्योंकि अनादिकाल से पर्यायों के अहम करने का संस्कार तो है ही जीव के पास, अनादिकाल से मिथ्या पर्यायों के अहम करने का तो था ही इसके पास संस्कार, लेकिन अब मिथ्या पर्यायों की कड़ी टूटी है, सम्यक पर्यायों का उदय हुआ है, तो अब क्या कर लिया? मिथ्या पर्यायों का अहम तोड़ना है, लेकिन मिथ्या पर्यायों का अहम तो छूटा नहीं अभी पूर्णता से, तब क्या करा? सम्यक पर्याय उदय हो गई, तो अब सम्यक पर्याय को ही अहम रूप पकड़ लिया, अर्थात मिथ्यात् पूरी तरह से ना छूट जाए, तो पर्याय की पकड़ ही तो मिथ्यात् है, मिथ्यात् पूर्णता से ना टूट जाए इसलिए वो मिथ्यात् ने सम्यक पर्याय को अहम रूप पकड़ लिया, सम्यक पर्याय को अहम रूप पकड़ लिया। तो भैया क्या हो गया सम्यक पर्याय को अहम रूप पकड़ने से? अब जब सम्यक पर्याय को अहम रूप पकड़ लिया, सम्यक पर्याय को ही कर्तृत्व रूप पकड़ लिया, जब सम्यक की क्रिया, सम्यक को ही क्रिया रूप पकड़ लिया, तो भैया अब क्या होगा? अब वो ईमानदार बना रहेगा वो अहम, भैया हम तो श्रद्धान कर रहे हैं, हम तो श्रद्धान कर रहे हैं, हम तो श्रद्धान की बात कह रहे हैं, वो अहम भी बना रहेगा अर्थात मिथ्यात् भी बना रहेगा और जीव संतुष्ट भी बना रहेगा और जीव का श्रद्धान भी पिटता रहेगा और उपयोग भी स्वभाव की ओर नहीं झुकेगा। यह कर्मों का खेल, अहम भी बना रहेगा, मिथ्यात् भी बना रहेगा, मतलब सम्यक विकृति की छाया भी चलती रहेगी, सम्यक मिथ्यात् की कणिका भी चलती रहेगी और स्वभाव का श्रद्धान भी बना रहेगा, स्वभाव का श्रद्धान भी बना रहेगा, मिथ्यात् की कणिका भी बनी रहेगी, और भैया क्या हमारा काम चलता रहेगा, बस कोई दिक्कत नहीं, दोनों एक साथ बने रहेंगे। तो भैया ये क्या है? ये अहम है। इससे क्या हो रहा है? जीव का उपयोग अपने स्वभाव की होने झुक रहा। और यहाँ आचार्य भगवान क्या कह रहा है? वो कह रहे हैं नंतम चतुष्टम तम व्यक्त रूपम, कि जहाँ जिनेन्द्र परमात्मा के गुणों का अवलोकन हो, जहाँ भगवान वीरनाथ प्रभु का स्मरण हो, वहाँ अनंत चतुष्टय की ओर झुकने का भाव तुरंत उत्पन्न होना चाहिए, वहाँ अनंत चतुष्टय में रमण करने की भावना तत्काल प्रकट होना चाहिए, वहाँ उपयोग में स्वरूप में आचरण करने का भाव तत्काल जन्म लेना चाहिए। गुरु के प्रसाद से उत्पन्न होता है ना, तो गुरु जब परम गुरु परमात्मा का स्मरण चल रहा है, अनंत चतुष्टय की चर्चा चल रही है, तो भगवान आत्मा तेरी परिणति क्यों नहीं झुक रही, तेरी परिणति क्यों नहीं झुक रही, तेरी परिणति क्यों नहीं रीझ रही? तो परिणति नहीं रीझ रही, परिणति नहीं झुक रही, इसका मतलब अभिमान है, किसी ना किसी बात का तो अभिमान है। अहम ही एक ऐसी वस्तु है जो जीव के उपयोग को स्वभाव की ओर ललायत नहीं होने देता, उसके अलावा कोई दूसरा लोक ही नहीं सकता। मिथ्यात् एक ऐसी वस्तु है जो जीव के उपयोग को स्वभाव रूप परिणमित नहीं होने देता, और यदि मिथ्यात् नहीं है तो जीव को स्वभाव की प्रतीति ना आए, स्वभाव का आनंद ना आए, स्वभाव की ओर झुकने की भावना उत्पन्न ना हो, ऐसा संभव ही नहीं, सहज होती अपने आप ही होती।
हाँ तीव्र कर्म के उदय में थोड़ा अंतराल देखा जा सकता है, लेकिन वो भी ज़्यादा ज़्यादा 6 महीने से ऊपर नहीं होता। तत्काल बदलती है परिणति, तत्काल बदलती। ये गारंटी है काय की, स्वभाव की, रुचि की। वे क्या कह रहा है आचार्य भगवान, नमामि भक्तम श्री वीरनाथम, मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम कर रहा हूं, रूसे तूसे भाव से नहीं, रोने रोने से नहीं, राग देश युक्त होके नहीं, हाँ राग देश छोड़ के, अज्ञान भाव को छोड़ के भक्ति पूर्वक नमस्कार कर रहा है। और नमस्कार कर क्या रहे हैं, नमस्कार कह क्या रहे हैं, वो तो कह रहे हैं तम व्यक्त रूपम, जो तुमने व्यक्त किया है अनंत चतुष्टय में स्वभाव, बस अब वो ही दिखाई दे रहा है मुझे। गुरुदेव कह रहा है बस अब वो जो अनंत चतुष्टय में केवल ज्ञान स्वरूप है, अब वो ही अनुभव में बरत रहा है, अब उसी की सूरत चल रही है, अब उसी का प्रकाश हो रहा है। तो गुरुदेव क्या करें, तो वो कह रहा है क्या, माला गुणम मोक्षंती तम प्रबोधम, अब संसार में थोड़ी रहेंगे, तो फिर अब तो माला गुणम, अब तो अनंत गुणों की माला गूंथेंगे और मोक्षंती अपने मोक्ष का मार्ग बनाने का काम प्रारंभ करेंगे। तम प्रबोधम, खुद अपने मोक्ष का मार्ग बनाएंगे, ऐसे रत्नत्रय की गुणों की माला को गूंथेंगे अर्थात ऐसे रत्नत्रय स्वरूप में आचरण करेंगे, और तम प्रबोधम भव्य जीव जो सुन रहे हैं, जो भव्य जीव ग्रहण कर रहे हैं, उन्हें भी ऐसे मोक्ष मार्ग में आरोहण करने का उपदेश देंगे। जो भव्य जीव अपना काम बनाना चाह रहे हैं, उन भव्य जीवों को ऐसे मोक्ष मार्ग का प्रबोधन देंगे, तम प्रबोधम, जो ये वाणी सुन रहा है उनके लिए है प्रबोधम, जो जिन वाणी सुन रहे हैं, गुरु महाराज का मालारोहण जी का प्रसाद ग्रहण करने के लिए ललायत होके बैठे हैं, उन भव जीवों के लिए है तम प्रबोधम, संबोधन है काय का, माला गुणम, गुणों की माला को गूंथने का, काय कौन से गुणों की, वोक्षन्ति जो निर्वाण पद को, मुक्ति के सुख को देने वाली, अनंत चतुष्टय पद को अपने आत्मा के स्वानुभव को उत्पन्न करने वाली, ऐसे माला को गूंथने के लिए, ऐसे गुणों के मोती को पिरोने के लिए ये माला रोहण जी ग्रंथ कह रहा है गुरु महाराज, और संबोधन कर रहा है सीधे सीधे हमें, हमारी आत्मा को उद्बोधन दे रहा है, गुणों का उद्बोधन दे रहा है वो भी, क्या हमारी आत्मा को उद्बोधन दे रहा है, जो मेरा आत्मा है, जो मेरा स्वभाव है, ऐसे मेरे आत्मा को, मेरे जीव आत्मा को उद्बोधन दे रहा है, और अपने जीव आत्मा को उद्बोधन दे रहा है, और अनंत गुणों का उद्बोधन दे रहा है कि अनंत गुणमयी आत्मा, अनंत गुणमयी मेरा स्वभाव, अनंत चतुष्टय में मेरी सत्ता, ऐसे गुणों का उद्बोधन दे रहा है, और गुणों का उद्बोधन दे नहीं रहा है, कह रहा है कि मैं प्रबोधन कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि इन गुणों को तुम गूंथो अर्थात इन गुणों में तुम आचरण करो, ऐसा नहीं कि तुम इन गुणों को सुन लो बस, सुनने के लिए नहीं कह रहा है, इन गुणों को ग्रहण करने के लिए कह रहा है, वो क्षंति मुक्ति को प्राप्त करने की आज्ञा दे रहा है, अपने आत्मा के बोध को प्रकट करने की बात कह रहा है, यहाँ अपने आत्म स्वभाव के बोध को उत्पन्न करने की बात कह रहा है, या माला गुणम बोक्षन्ति तम प्रबोधम, मैं तुम्हें प्रबोधन संबोधन सिर्फ इसलिए दे रहा हूं कि तुम मुक्ति का वर्णन कर सको, तुम अपने आत्म अनंत चतुष्टय को प्रकट कर सको, इसलिए सारा प्रबोधन दे रहा हूं। अब बात इतनी सी है कि प्रबोधन तो मिल रहा है, संबोधन तो मिल रहा है, लेकिन जीव आत्मा को इस तत्व की रुचि लग रही है नहीं लग रही, यह प्रबोधन तो मिल रहा है, गुरुदेव की वाणी का संबोधन तो मिल रहा है, गुरुदेव की वाणी में जो सत्य आया है उस सत्य का उपदेश तो मिल रहा है कि भैया आनंद का स्वभाव का, अपने आत्मा में मस्त होने का, अपने चतुष्टय स्वभाव में लीन होने का, इसका प्रबोधन तो मिल रहा है, इसके लिए अनंत गुणों में आचरण करने के लिए गुरुदेव संबोधन तो दे रहे हैं, लेकिन ये प्रबोधन
ये संबोधन भव्य आत्मा को कितना प्रभावित कर रहा है, अपनी आत्मा में कितना रुच रहा है। यहाँ यहाँ तो रुचि की बात है। कहते ना सम्यक की ज्योति का गुणों के आरोहण करने का उपदेश आचरण जो है, यानी जो जिनेन्द्र भगवान की वाणी का जो उपदेश है, वो उपदेश तो यहाँ बट रहा है, लेकिन इस उपदेश को ग्रहण कौन कर रहा है, इस उपदेश को पी कौन रहा है, इसमें चरण करने की रुचि किसकी है। तम प्रबोधम, इस उपदेश को पीने की पात्रता किसमें है। जो भव्य मुमुक्षु आत्मा है, जो भव्य मुमुक्षु जीव है, उसकी है ये भावना, वो पी सकता है इस उपदेश को। क्योंकि गुरुदेव ने कहा ना माला गुणम, गुणों की माला है। तो ये कौन से गुणों की, हम बहुत अच्छा बनाते हैं, बहुत अच्छा खाते हैं, बहुत अच्छा चलते हैं, बहुत अच्छा पहनते हैं, ये गुण थोड़े ना, ये तो पुद्गल का परिणाम है, ये तो अवगुण है। बहुत अच्छे चिल्लाते हैं, बहुत अच्छे गाते हैं, बहुत अच्छा बजाते हैं, ये तो सब अवगुण है। अर्थात ये तो सब पौद्गलिक क्रिया है, पुण्य पाप की वजह से मिला हुआ है, ये गुण नहीं है। फिर आत्मा का जो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, जो आत्मा अनंत चतुष्टय है, जो सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र रूप जो जीव को प्रकट होता है, जो तत्वार्थ की साधना के मार्ग में, मोक्ष मार्ग में, जो जीव को सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र के परिणाम रूप आचरण प्रकट होता है, उसका नाम गुण है। उत्तम क्षमा आर्जव मार्दव सत्संयम सोशील तप त्याग सही तप त्याग और ब्रह्मचर्य आकिंचन आदि, ये है गुण, ये है गुण। गुणों की बात चल रही है ना भैया, गुणों में आचरण करने की बात कह रहा है ना। ए पचहत्तर गुण शुद्धम, आगे आगे गाथा ही देंगे वो तो, धर्म के गुण, सम्यक के गुण, शास्त्र के गुण, सोलह कारण भावना है, पूरे पचहत्तर गुणों को गूंथने की बात चल रही है, गुणों को गूंथने की बात चल रही है। भैया क्या आपको ऐसे अनंत स्वभाव के अनंत स्वरूप में जो मुक्ति मार्ग को देने वाले हैं, मुक्ति में आचरण कराने वाले हैं, क्या ऐसे सद्गुणों को गूंथने की भावना है। राग की भावना, द्वेष की भावना, कर्तृत्व की भावना, ये सारी भाव तो चल रहे हैं, राग द्वेष मोह कर्तृत्व, ये सब भाव अलग है। यहाँ तो आत्मगुणों को गूंथने की बात चल रही, आत्मगुणों, रुचि रुचि रुचि, जीव की अपनी रुचि, आत्मगुणों को गूंथने की बात चल रही। अच्छा बाहर में यदि आपके यदि कोई भोजन बनाने का गुण हो, आप बहुत अच्छा भोजन बनाओ, कोई जरा सी मीन में के निकाल दे तो कितना कितना बुरा लगता है, कितनी पीड़ा होती है, कितनी वेदना होती है। और अंतर में यहाँ आत्मा अनादिकाल से अवगुणों में ही आचरण कर रहा है, अवगुणों को ही भोग रहा है, अवगुणों को ही अपना स्वरूप मान रहा है, और यहाँ आचार्य देव गुणों में आचरण बता रहा है, गुणों में आचरण की चर्चा कर रहा है, गुणों में आचरण करने के लिए जीव को चेता रहे हैं। लेकिन भगवान आत्मा उन गुणों की चर्चा सुनने के बाद भी उन गुणों को यहाँ जो तीनों लोकों में स्वामित्व का बोध करा रहे हैं, अनंत दर्शन ज्ञान सुखवीर, ऐसे शुद्ध गुणों को छोड़ के, ऐसे शुद्ध गुणों का विस्मरण करके भी ये आत्मा खुश है, बिल्कुल खुश है, फर्क ही नहीं पड़ रहा। बताओ फर्क पड़ रहा है ना, अनंत दर्शन प्रकट है, ना अनंत ज्ञान प्रकट है, ना अनंत चारित्र प्रकट, ना अनंत वीर प्रकट है, ना अनंत सुख प्रकट है, परमानंद में नहीं हो, केवल ज्ञान में सत्ता में नहीं हो। अरे ये तो छोड़ो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का विशुद्ध परिणाम नहीं चल रहा, श्रद्धान की निर्मलता नहीं है, आर्जव मार्दव आदि गुणों का पता नहीं है। भैया कहाँ डूबा हुआ है जी, यदि इन सब गुणों का पता नहीं है तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, अज्ञान कसाय मोह, यदि इन गुणों का पता नहीं है तो जीव कहाँ डूबा हुआ है, कर्तत्व भोक्तत्व ममत्व,
बस यही डूबा हुआ है, या तो कर्तृत्व में डूबा हुआ है, या भोक्तृत्व में डूबा हुआ है, या ममत्व में डूबा हुआ है। अब बता, अनंत गुण में स्वभाव है मेरा, अनंत गुण में स्वभाव है मेरा। और यहाँ आचार्य देव वोक्षन्ति माला गुणम वोक्षन्ति तम प्रबोधम, उन गुणों की माला को उस मोक्ष वोक्ष को प्रदान करने वाली, मोक्ष को प्रदान करने वाली उस गुणों की माला को कह रहे हैं और अपने लिए संबोधन करके कह रहे हैं कि ये माला तुम्हारी है, सम्यक दर्शन तुम्हारा है, ज्ञान चरित तुम्हारा आचरण है, सुख वीर में तुम्हारी सत्ता है, आनंद निराकुल शांति में तुम्हारा स्वभाव है, तुम्हारा आत्मा परमात्मा शुद्ध आत्मा है। ऐसे गुणों की माला को आचार्य भगवंत अपने लिए कह रहे हैं, लेकिन भैया अपने को अवगुणों की कितनी प्रीति है, अवगुणों में कितना लगाव है, अवगुणों की कितनी रुचि है, अवगुणों का कितना लगाव है, अवगुणों की कितनी रुचि है। वे कैसे कह रहा है अवगुणों का लगाव, अवगुणों की रुचि है, इसलिए कह रहा है कि आचार्य भगवान तो गुणों की चर्चा कर रहे हैं, गुणों में रमण करने की बात कह रहे हैं, गुणों में आचरण करने का उपदेश दे रहे हैं, लेकिन मेरा आत्मा उन गुणों का विस्मरण करके, उन गुणों की ओर ना देख के, उन गुणों की ओर दृष्टि ना दे के अवगुणों में लड़ाए थे, अवगुणों के लिए लड़ाए थे, अनंत चतुष्टय के लिए प्रभावित नहीं हो रहा, नंतम चतुष्टम तम व्यक्ति रूपा, इसके लिए प्रभावित नहीं हो रहा, इसके लिए प्रभावित नहीं हो रहा, उसका ज्ञान उसका उपयोग अनंत चतुष्टय में प्रभावित नहीं हो रहा। काय के लिए प्रभावित हो रहा है, अब भी अली लोभ की बात कह दो, लाख दो लाख दस लाख चार लाख, अरे एक रुपए की बात कह दो, पीछे गिर गया तो पलट जाएगा उपयोग, दस का नोट गिर गया पीछे पलट के देख लेगा क्या हो गया ये? इसका उपयोग लोभ के लिए पलट रहा है, पर के रोप के लिए, पुद्गल के लोभ के लिए। और इससे बोल दो कि देख देख तेरे अंदर में अनंत चतुष्टय में स्वभाव है, देखो पलट रहा है, नहीं पलट रहा, देखो वही का वही है, वही का वही, वही का भी कठोर है, वही का भी कठोर है। इससे बोल लो वो 2000 का नोट मार रख के भूला है, अब प्रवचन निर्वचन सब छोड़ो, सब काम छोड़ो छाड़ो, और ऊपर रख के भूला है, कोई उठा के ले गया तो चलो पहले व्यवस्थित करके आ जाते हैं, 2000 का नोट है, पलट गया उपयोग, जैसे ही स्मरण आएगा उपयोग, तत्व चर्चा और सब कुछ छोड़ के वो 2000 के नोट में जाके बैठ जाएगा, पलट गया उपयोग। भैया 2000 तो पुद्गल का परिणाम है, पुण्य का परिणाम है, तुम्हारा है या नहीं है वो तो पुण्य पाप के अधीन, लेकिन तुम्हारे अंतर में अनंत अनंत गुणों की रत्नावली है, चतुष्टय में स्वभाव, उपयोग क्यों नहीं पलट, क्यों नहीं पलट ला, अब पलटी क्यों नहीं हो रही भैया, पलट ही नहीं रहा, जैसे का तैसे बेशरम बन के कठोर बन के ऐसा सुन रहा है, जैसे कि मुर्दा को सुनाया जा रहा है, मुर्दा की तरह खड़ा हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल अचेतन की तरह खड़ा हुआ है, कि जैसे जानते ही नहीं, जैसे जैसे पहचानते ही नहीं, जैसे कि बिल्कुल अनजान हो, बिल्कुल अनजान हो, बेहवान हो एकदम, जैसे बिल्कुल अनजान हो, बिल्कुल बेवान हो, बिल्कुल पागलों की दशा हो, कि भाई जो क्या जो कहा जा रहा है, जो सुनाया जा रहा है, उसके कानों में जू की तरह रेंग ही नहीं रहा, बिल्कुल पागलों की तरह खड़ा हुआ ऐसा कह रहा है, हाँ हाँ क्या क्या कहा, क्या कहा, एक बार फिर से कहा, सुनाई नहीं दिया, मैंने ऐसी हरकतें कर रहा, और नहीं तो नंतम चतुष्टम तम व्यक्त रूपम, अब भी पलट जाओ, अब भी पलट जाए दृष्टि खट से, यहां ऐसा अनंत चतुष्टय स्वभाव मेरा, ऐसा अनंत चतुष्टय स्वभाव मेरा है, ऐसा अभियाली अनंत बहुमान आ जाए अंतर से, एक एक ललकार निकल के आ जाए कि हाँ मैं ब्रह्म स्वरूपी आत्मा, अभियाली उपयोग पलट जाए, अभियाली दृष्टि पलट जाए, अभियाली आत्म स्वभाव का बहुमान आ जाए, तो श्रद्धान का सार्थक हो गया आपका, श्रद्धान सार्थक हो गया, आपकी कठोरता गलने लगी, स्वभाव उपयोग की ओर पलटने लगा, अर्थात आपका अहम भाव गलने लगा, आपका अहम भाव गलने लगा,
स्वभाव की ओर पलटना चाहिए। मैं तो अनंत चतुष्टय में हूँ, जिनेन भगवान कह रहा है, जिन देव कह रहा है, भगवान महावीर को दिखाई दे रहा है वो अनंत चतुष्टय। वाह, वही अनंत चतुष्टय तो मेरा स्वरूप है। और ऐसे अनंत चतुष्टय जो स्वरूप आप देख रहे हो प्रभु, वही स्वरूप तो मुझे देखना है। कल भी कहा था कि आपकी अनंत भावनाओं में मुझे तो मेरा ही भाग्य दिखाई दे रहा है, मेरी भावना दिखाई दे रही है। आपकी अनंत भावनाओं में, आपके अनंत वैभव में मुझे तो मेरी सूरत दिखाई दे रही प्रभु, मुझे तो मेरे ही चैतन्यमय आत्मा दिखाई दे रहा है। आपके लक्ष्य में मेरा लक्ष्य साथ में समाहित है, आपकी भावना में मेरी भावना साथ में समाहित है। सद्गुरुदेव आपकी छत्र छाया में, आपके ही ज्ञान और ध्यान की तलहेटी के नीचे, आपके ही उपदेश की छाया में, आपके ही आनंद स्वरूप की छाया में, गुरुदेव आपकी ही महिमा के नीचे, आपकी करुणा के नीचे, आपकी छत्र छाया में मेरी आत्मा इस शुद्ध सम्यक्त के उपदेश को ग्रहण कर रही है, इस सम्यक्त ज्ञान के वैभव को प्रकट करने का पुरुषार्थ कर रही है। आप ही की तो छांव है गुरुवार, आप ही का तो आशीर्वाद है, जिस आशीर्वाद से मुझे ऐसे सूक्ष्म रहस्यों का, ऐसे अतींद्री गुप्त स्वभाव की साधना के गुप्त रहस्यों का उजागर हो रहा है, अर्थात अज्ञान का अंधकार छट रहा है। ये तारणहार गुरुवार, ये आपकी तो महिमा है, आपकी तो छत्र छाया है, आपकी छाया तो है मेरे सर के ऊपर, जिस छाया में मेरा आत्मा अपने आत्म स्वभाव का पोषण कर रहा है, अपने आत्म स्वभाव की अनुबोधना कर रहा है, अपने वीतराग परम स्वभाव का सहकार कर रहा है। आपकी तो छत्र छाया है गुरुदेव, क्या ऐसी भक्ति आ रही है? हाँ, नमामि भक्तम श्रीवीरनाथ, जिन भगवान की भक्ति, जिन देव की भक्ति, जिन भगवान के वचनों की भक्ति, आचार्य देव के भगवान के उन वचनों की भक्ति, जो वचन आपके अंदर में आपके अनंत गुणों का प्रबोधन कर रहे हैं, आपके अंदर में आपके अनंत रत्नात्रेप स्वरूप को दर्शा रहे हैं, क्या आपको ऐसे अपने जिनवर भगवान के वचनों की भक्ति आ रही है? जिन भगवान के द्वारा कहे हुए वचन, जिन भगवान के द्वारा कहे हुए वचन, जय हो प्रभु, जय हो, जय हो प्रभु, जय हो, ये क्यों जय जयकार कर रहे हो? क्यों जय जयकार कर रहे हो? क्योंकि माला गुणम, लोभी पापी कहने वाले तो बहुत मिले थे गुरु महाराज, लेकिन अनंत चतुष्टय में भगवान आत्मा कहने वाले सिर्फ सच्चे गुरु ही मिले, सच्चे देवी मिले, जिन्होंने मुझे भगवान आत्मा सिद्ध स्वरूप ही कह के पुकारा। इसलिए महिमा आ रही है, इसलिए बहुमान आ रहा है, इसलिए जय जयकार हो रही है, जहाँ मेरे प्रयोजन की सिद्धि हो रही है, तत्वार्थ की साधना का मार्ग प्रशस्त हो रहा है, इसलिए बहुमान आ रहा है, और कोई बात नहीं, और कोई लौकिक लक्ष्य नहीं, और कोई लौकिक स्वार्थ नहीं, मात महिमा और बहुमान का कारण इतना है, महिमा और बहुमान के पीछे मात इतना सा है, इतना सा अभिप्राय है कि प्रभुदेव, हे गुरुदेव, कि आपने मुझे इस स्वरूप की छाया में रहना सिखा दिया है, सम्यक की छाया में रहना सिखा दिया है, इस सम्यक की छाव में, सद्गुरु की शरणागत रूपी छाव में आ जाने से जो क्रोध काम और मिथ्यात की आग जल रही थी वो शांत हो रही है, उपसम जल का रस मिल रहा है, ज्ञान अमृत का रस मिल रहा है, आपकी वाणी से ज्ञान अमृत की धारा फूट रही है, और ये ज्ञान अमृत की धार मेरे चित्त को शीतल और पावन आनंद में कर रही है। ज्ञान अमृत की धारा मेरे चित्त को शीतल कर रही है, मेरे चित्त को पावन कर रही है, और मेरे हृदय को रोमांच से भर रही है, मेरी आत्मा को, मेरे हृदय को कोमल करके अपने स्वभाव में आचरण करने के लिए प्रेरित कर रही है, प्रेरणा प्रदान हो रही है। गुरुदेव सच्चे श्रद्धान और ज्ञान में आचरण करने का लक्ष्य प्रगाढ़ हो रहा है, अपने मार्ग में दृढ़ता आ रही है, मोक्ष मार्ग में दृढ़ता आ रही है, और अज्ञान अंधकार का नाश हो रहा है।
इसलिए इसलिए गुरु की वचनों की महिमा है। और देखो तो आगे क्या कह रहा है, नामामियम केवलिनंत सिद्धम, एक को नहीं दो को नहीं, नामामियम प्रणाम कर रहा है किसको, केवली जितने भी केवल ज्ञानी परमात्मा सिद्ध हुए हैं, अनंत सिद्ध परमात्मा हुए हैं, उन सबको साक्षी रख के उन सबको प्रणाम कर रहे हैं, उन सबका अभिवादन कर रहे हैं। भैया क्या जरूरत है इन सब पंच परमेष्टियों को अभिवादन करने की, भैया आवश्यकता मात्र इतनी सी है, आवश्यकता मात्र इतनी सी है, ये पूर्णत्व के पुंज है और अभी मैं पूर्णत्व को प्राप्त कर रहा हूं, बस इतना सा है, अभी पूर्णत्व मेरी दृष्टि में आया है और पूर्णत्व उनके संपूर्ण रूप से प्रकाशित हो गया। इतनी सी इतना सा अंतर होने के कारण यहां दृष्टि बार बार पूर्णता को लख रही है, बार बार पूर्णता का अभिवादन कर रही है, बार बार पूर्णता की ओर अग्रसर हो रही है, जितने बार वो पूर्णता को लख रही है, जितने बार वो पूर्णता का अभिवादन कर रही है, उतने ही बार उसके दर्शन ज्ञान की निर्मलता और आत्म स्वभाव का विकास हो रहा है और ये बढ़ता हुआ ज्ञान ही, ये बढ़ती हुई निर्मलता ही एक दिन पूर्ण केवल ज्ञान के रूप में पूर्णता रूप प्रकाशित हो जाएगी। इस बात को गुरु महाराज पंडित पूजा में बहुत बार कहते हैं, ज्ञाने ज्ञान वीरतम, ज्ञान समुच्चय सार जी में बहुत बार कही और कमल बत्तीस जी में बहुत बार कही, ज्ञान से ज्ञान की वृद्धि हो, आत्मसुरति से, आत्मस्मरण से, आत्मरवणता से आत्मा के ज्ञान में वृद्धि होगी, गुणों में आचरण करने से, गुणों में रमण करने से आत्मचारित्र में विशुद्धता उत्पन्न होगी, निश्चय चारित्र प्रकट होगा, निश्चय चारित्र मतलब निश्चय चारित्र में सम्यक दर्शन भी है, ज्ञान भी है, चारित्र भी है, भेद नहीं है, निश्चय चारित्र सम्यक दर्शन में है, सम्यक ज्ञान में है, सम्यक चारित्र में, निश्चय चारित्र अर्थात ध्रुव शुद्ध आत्मा, ध्रुव शुद्ध आत्मा, आत्मस्थिरता, आत्मस्थिरता है रुचि, मन के साथ चंचल होने के लिए कितनी जल्दी ललायत होते हैं, हाँ भैया वो तो कर्म उदय ठीक है, लेकिन भैया कर्म उदय है तो उस कर्म उदय के बीच में जागृति है या नहीं, और जागृति है तो जागृति में क्या है, आत्मरमणता की भावना है या नहीं, अपना आत्मा श्रेष्ठ और उपाधेय है या नहीं है, ये बुद्धिगत संतुष्टि है, आत्म स्वभाव में होने की, आत्म स्वभाव में लय होने की पात्रता है या नहीं है, आत्म स्वभाव में लय होने की भूमिका तैयार हो रही है या नहीं हो रही, स्वभाव 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 और स्वभाव, ऐसा तो नहीं दो दिन तीन दिन गंभीरता वेरा की चर्चा कर ली और तीसरे दिन चौथे दिन फिर वो ही चंचलता, ऐसा तो नहीं, चर्चा सुन ली दो दिन तीसरे दिन फिर वही मन के पंगु, रुचि 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 दिखा, रुचि अपने अंतर में गंभीरता, सहज गंभीरता, रुचि दिखा, रुचि दिखा, रुचि स्वभाव की रुचि, बरतती हुई चेतन सत्ता की रुचि, बरतती हुई चेतन सत्ता की रुचि चाहिए, बरतती हुई अभी अभी बरतती हुई, हाँ अनंत दर्शन ज्ञान सुखबीर में अभी बरतती हुई सत्ता, बरतती हुई कह रहे हम स्व समय स्वरूप, बरतती हुई मतलब वेदन में आती हुई, एहसास में आती हुई, प्रतीति में चलती हुई, बहुमान में उत्पन्न होती हुई, गर्जना ललकार में उत्पन्न होती हुई, बरतती हुई चैतन्य सत्ता की रुचि, इसलिए सदगुरु की शरण में बैठे अपन, कि जैसे वो चतुष्ट स्वभाव का अनुभव कर रहे हैं वैसे स्वभाव में अनुभव करने का मार्ग अपने को दिखा रहे हैं, अपने को उसी की वर्तना के लिए तो यहाँ बैठे, उपमकार वेदंती उसी का वेदन करने के लिए तो गुरुदेव बार बार प्रेरणा दे रहा है, उसी के अनुभव के लिए तो यहाँ है, बढ़ती हुई सत्ता की रुचि दिखा, हाँ हाँ हे 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 हे
हे, इस हे का हुंकारा भरते भरते जो है वो दृष्टिगोचर हो जाए कि हे मेरा अनंत चतुष्टय में आ, हे कहते कहते अंतर हृदय में वो स्फूर्णा उठ जाए कि हाँ वो मेरा अनंत चतुष्टय में ही स्वरूप है, स्वरूप है मेरा। आत्मा एक समय के लिए शांत चित्त होके अपने ध्रुव से मिलन कर ले, अरे पूर्ण रूपेण मिलन ना कर पाए तो आनंद अमृत के छींटे, अंतरोन्मुखता की दशा के छींटे श्रद्धान ज्ञान का अमृत तो निकल के आए, आत्मस्वभाव चिंतन का रस तो निकल के आए, तत्व के बोध का रस तो निकल के आए कि हाँ, विज्ञायक मैं अतीन्द्रिय स्वरूप ही मेरा स्वरूप। कम से कम अंतरोन्मुख शुद्धात्म स्वभाव की अनुभूति नहीं तो ज्ञान विज्ञान के मोती, सम्यक चिंतन की ललाट, ज्ञायक ज्ञायक भाव की ज्ञायक ज्ञायक भाव की गड़गड़ाहट, ये तो निकल के आए हाँ, सुख कंद पिंड, हाँ, दुख से मुक्त सुख कंद पिंड, आनंद 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 ही जिसका रूप है, हाँ, जिनेन्द्र देव चतुष्टय में स्वरूप ही जिसका रूप है वो ही मेरा स्वभाव। हमने स्वभाव की निकटता तो बढ़े, निकटता तो बढ़े, आत्मुख तक तो बढ़े कि हाँ प्रभु रे, हाँ प्रभु, हाँ तारणहार, हाँ मेरे क्या, हाँ मेरे पालनहार, आपने जो उपदेश दिया है वे खाली नहीं गया, वह उपदेश मेरे हृदय की चैतन्य गुफा में प्रवेश कर चुका है, मेरे अनुभव की गुफा में उतर चुका है, मैं तो ऐसे अनंत गुप्त स्वभाव का धनी चैतन्यमय परमात्मा ही, ऐसी गुप्त निधि का सहकार हो चुका है गुरुदेव। यह नमामियम केवली अनंत सिद्ध, यह अनंत केवल ज्ञानी और सिद्ध परमात्मा को नमस्कार करने का प्रयोजन, जैसा आपने अनुभव किया वैसा मेरे अंतर में आ रहा, उपज रहा है, इसलिए मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं। कोई व्यक्ति अपना आदर्श उसी को बनाता है जिसके लिए, जिसके से जैसा वो बनना चाहता है, जिसके जैसा वो होना चाहता है। यहाँ आचार्य देव केवली और सिद्ध परमात्मा के समान अपने अनंत चतुष्टय में पद को, जितेंद्रीय स्वभाव को प्रकट करना चाहते हैं, इसलिए उन्हें उनका बहुमान और उनका आदर, उनका सत्कार स्वयं उत्पन्न हो रहा है, स्वयं उनकी महिमा उत्पन्न हो रही है। संसारी जीव, कोई मंत्री बनना चाहता है तो मंत्री के पैर पड़ता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो डॉक्टर के पैर पड़ता है, जो जिसकी संगति करना करता है, जो जिसकी संगति कर, जो जो बनना चाहता है वो उसकी संगति करता है, उसको सत्कार करता है, उसको मान देता है, उसको सम्मान देता है। क्यों? क्योंकि उसके गुणों का अनुसरण कर सके, उसके जैसा बन सके। बस यहाँ आचार्य देव सिद्ध परमात्मा जिनेन्द्र पद को प्रकट करने की बात कर रहे हैं, केवल ज्ञान स्वरूप को प्रकट करने की बात कर रहे हैं। तो वे किसी संसारी वस्तु को प्रणाम थोड़ी करेंगे, किसी जड़ चेतन को प्रणाम थोड़ी करेंगे। फिर नमामियम केवली नंद सिद्धम, जिनके अंदर वे गुण ठसाठस भरे हुए, लवालब भरे हुए हैं, जिनके अंदर से ही वे गुण झलक रहे हैं, जिनके अंदर से, जिनके रोम रोम से, जिनके प्रदेश प्रदेश से वो गुण झलक रहे हैं, जो उन गुणों में मूर्ति है, ऐसे केवल ज्ञान को, ऐसे केवल ज्ञानी परमात्मा को और ऐसे निराकार सिद्ध भगवान को नमाम्यम केवली नंत सिद्ध। आचार्य भगवान केवल ज्ञानी और सिद्ध भगवान को नमस्कार कर रहा है, केवल ज्ञानी और सिद्ध भगवंतों को नमस्कार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वे से गुण झलक रहे हैं, ऊपर से झलक रहे हैं। पता सिद्ध भगवान को कहके कोई देख कह सकता है देख के कि कोई दुखी है? अरे वो तो निराकार है, उन्हें देख के कोई कैसे कहेगा? कोई केवल ज्ञानी भगवान को देख के कह सकता है कि इनके पास कोई कमी है? कैसे कहेगा? पूर्ण केवल ज्ञान का चतुष्टय झलक रहा है, जो पूर्ण गुणी है, जिन्होंने पूर्ण ऐसे गुणों को प्रकट कर लिया है,
ऐसे पूर्ण गुणी, ऐसे गुणों के पुंज जिनके गुण बाहर ही छलक रहे हैं, ऐसे गुणों के दाता अर्थात ऐसे गुणों के जो स्वामी हैं, ऐसे स्वामित्व को अपनी दृष्टि में देख के उन गुणों को अपने स्वानुभव में उत्पन्न करने के अभिप्राय से आचार्य भगवान नमामियम केवली नंद सिद्ध, उन केवली परमात्मा को, उन सिद्ध भगवान को अपने हृदय से अभिवादन करते हैं, प्रणाम करते हैं। राग से नहीं, मोह से नहीं, स्वार्थ से नहीं, अहम से नहीं, कर्तत्व से नहीं, भोक्तत्व से नहीं, विषय से नहीं, वासना से नहीं, पुण्य की लालसा से नहीं, निष्काम होके, निर्विकार होके, निष्प्रय होके, पवित्र भावनाओं से, पवित्र रुचि के साथ यहाँ आचार्य तारण स्वामी जिनेन्द्र देव को, अनंत केवली अनंत भगवंतों को प्रणाम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें अपने अनंत चतुष्टय की माला, जो गुणमाला है, उसको भव्य जीवों के प्रबोधनार्थ अपने संबोधन के लिए इस माला रोहन जी में गूंथना है। तो पवित्र कार्य को लेकर चल रहा है ना, पवित्र लक्ष्य को लेकर चल रहा है ना, इस ग्रंथ के लेखन करके वे अपनी शेष ग्रंथियों को मिटा रहा है ना। तो जहाँ ग्रंथियों को मिटाने के लिए आगे भीतराग मार्ग में आरोहण हो रहा हो, तो अपने आदर्श श्रेष्ठ भगवान को ही अर्थात श्रेष्ठ महावीर परमात्मा या केवली नंत सिद्ध भगवंतों को ही अपने लक्ष्य में रख के, अपने अभिप्राय में रख के आगे निकल रहा है, आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त कर रहा है, अटके नहीं है। निर्ग्रंथता की साधना करनी है ना, ग्रंथियों को मिटाना है ना, बचे हुए शेष राग का जो थोड़ा बहुत अंश है, उस राग के अंश को भी पूरा दमन करना है ना। तो शेष पूर्ण राग को मिटाने के निमित्त ये माला रोहन जी ग्रंथ स्वयं के लिए और भव्य जीवों के लिए प्रबोधनार्थ आचार्य भगवान दे रहे हैं, स्वयं के अंदर से निर्ग्रंथ हो रहा है और बाहर से भव्य जीवों को सम्यक दर्शन का प्रसाद दे रहा है, आत्म अनुभव की प्रेरणा दे रहा है, उनके लिए व्यवहार और अपने लिए, अपने लिए सद्गुरु की करना, उनका प्रसाद मिल रहा है, सम्यक ज्ञान का उपदेश मिल रहा है, अपने को आत्मज्ञान का प्रकाश मिल रहा है, जिस प्रकाश में अपनी आत्मा अपने उज्ज्वल भविष्य को अर्थात अपने अनंत चतुष्टय केवल ज्ञान में सिद्ध अरिहंत पद को देख सक रही, देख पा रही। यदि गुरु की वाणी का यह प्रसाद नहीं होता तो क्या अपन अपने केवल ज्ञान में अरिहंत सिद्ध पद को देख पाते? यदि इन जिन भगवान के वचनों का आश्रय नहीं होता, यदि इनके सम्यक ज्ञान का ऐसा उजाला नहीं होता अर्थात इनके उपदेश, ये सम्यक ज्ञान रूपी यदि उनका ये उपदेश अपने हृदय में नहीं होता, तो क्या अपने को अपना सिद्ध पद दिखाई दे रहा था? कहाँ दिख रहा था? चेतन अनंत काल से भूले भटक रहे थे संसार, आज अनंत चतुष्टय में पद दिख रहा है, स्वभाव की रुचि मिल, आज स्वभाव की रुचि लग रही है, आत्म कल्याण की भावना जगी है, तत्काल श्रद्धान ज्ञान का जो पुरुषार्थ हो रहा है वो इन आचार्य भगवंतों की, आचार्य तारण तारण देव की करुणा का ही तो प्रसाद है, उनके जिन उपदेश की तो महिमा है। यह है गुरु की छाया, अल्लाह भगवान इनके पद चिन्हों को ग्रहण कर लो। ये गाथा बस दो नंबर की गाथा बस दो ही दिन से आ नहीं चलेगी, एक नंबर की तो 15 दिन 10 दिन चल भी गई, यहाँ भक्ति और बहुमान दो दिन से आ नहीं चलेगा, एक दिन कल हो गया, एक आज, कल गाथा बदला जाएगी। जितनी भक्ति, जितना बहुमान, जितना रोमांच हृदय से आ सके जिन उपदेश का, जिन वैनम जयवंत आत्म स्वभाव के संबोधन के लिए जितना बहुमान आ सके, आपको सद्गुरु की करुणा की जितनी महिमा अंतर से प्रकट हो जाए, अपने आत्मा के बोध जगाने का जितना भाव अंतर से उदित हो जाए, जितना अंतर से आप जागृत हो जाओ, आपको अपने अनंत चतुष्टय में पद सिद्ध भगवान के झलकते हुए अनंत वैभव में अपना अनंत चतुष्टय में पद ही दिखाई देने लगे, आपको हर हर स्थान पे, हर जगह अपनी चैतन्यता, अपनी प्रभुता नजर आने लगे, आचार्य भगवंत की तरह
सच्चा स्वार्थ उत्पन्न हो जाए अपनी मुक्ति के मार्ग का, संसार का नहीं, पुण्य पाप का नहीं, अपने मोक्ष के मार्ग का। इसलिए है बहुमान बस, और बहुत गंभीर बहुमान है। गंभीरता से हृदय से स्वीकारता है, और यदि सच्ची हृदय से स्वीकारता होती ही तो अंतरोन्मुख होकर जीव की दशा बन जाती, झट से अंदर डुबकी लगती, झट से जीव एकाग्र होता। क्यों होता भाई? भगवान भक्ति की इस श्रृंखला में जीव क्यों एकाग्र होता? अरे भगवान, भगवान और भक्ति जीव के हृदय की कठोरता को गला देते हैं और तत्काल उसकी परिणति स्वभाव में प्रवेश करती, तत्काल अहम को तोड़ देते हैं। अहम को तोड़ना ही सबसे बड़ी बात है। सरल होना, मन का सरल होना ही बड़ी बात है। बस जहाँ मन का अहम टूटा, जहाँ मन की मान्यताएं गली, वहां जीव स्वभाव का सिद्धांत तो लेके ही बैठा, स्वभाव का अनुभव तो लेके ही बैठा, स्वभाव की रुचि के लिए तो सुबह से लेकर शाम लगाने के लिए तैयार बैठा, लगा पाया न लगा पाया, लेकिन तैयारी तो है स्वभाव की श्रद्धा। बस मौका मिले और बस फट से अंदर जाए, चांस चाहिए, एक चांस, बस एक चांस चाहिए कि को परिणति कोमल हो और ढुबकी लगे। ये भैया वो चांस बड़ी मुश्किल से मिलता है, बहुत भाग्य वालों को मिलता है। शुद्धात्मा का वेदन कोई साधारण बात नहीं है, भव्य आत्मा शुद्धात्मा अनुभूति कोई साधारण सी बात नहीं है। जिस भव्य आत्मा को शुद्धात्मा अनुभूति हो जाती है उसका संसार तत्क्षण गल जाता है, तत्क्षण गल जाता है। किसी विरले भव्य आत्मा की ऐसी परिणति पलटती है स्वभाव की ओर, यदि अपनी पलट गई, अपना उपयोग पलट गया, समझ लो निकटवर्ती भव्य आत्मा हो, परिणति पलट जाती स्वभाव की। एक ही रुझान, एक ही लगन, स्वभाव 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 और स्वभाव। मेरा वीतराग में मेरा चेतन, ममले ममल स्वभाव, हे गुरुदेव नमामियम केवली नंद सिद्ध। नमस्कार है उन अनंत केवली परमात्मा, सिद्ध भगवंतों को जिन्होंने ऐसे स्वभाव को उपलब्ध कर लिया। इसे गुणों में आरोहण करने की मेरी भी लालसा है, बस मेरा भी संकल्प है कि अब इन आत्मगुणों के अलावा और कहीं ध्यान ही नहीं दूंगा। ये तो अपनी दृढ़ता को बढ़ाने का समय है। मेरा भी संकल्प है, मेरा भी पूर्ण बिल्कुल ठोस बिल्कुल ठोस में ठोस भजनदार बिल्कुल गाढ़ा धरे से पावे, बिल्कुल मजबूत वज्र की तरह। मेरा भी निर्णय है कि अब स्वभाव की साधना, तत्वार की साधना, स्वानुभूति के अलावा मेरा कोई और लक्ष्य भी नहीं है। अब तो एक ही काम है, चैतन्य 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 सम्यक चरणाम चैतन्य रूपम। अब तो एक ही काम है बस, अब तो आराम भी एक स्वभाव में, विश्राम आराम जो कुछ भी है सब स्वभाव। अब तो सोना है, गहरी नींद, काय की गहरी नींद, संसार वाले तो सोई रहा मोहे की अनादिकाल से, अब तो आनंद की चिर निद्रा में ऐसे सोना है, उपयोग ऐसा शुद्ध उपयोग में लीन हो जाए कि भगवान जी बाहर की अशुद्ध अवस्थाएं आके निकल जाए और लेकिन उपयोग को पता ही नहीं लगे, ऐसा ज्ञायक भाव, ऐसा निर्लिप्त भाव उत्पन्न हो जाए कि बाहर का सारा परिणमन होके गुजर जाए और आत्मा अपने सोहम ध्रुव स्वभाव में ही बिंद स्वरूप में ही गुप्त रहे, उपयोग डूबा रहा है अपने स्वभाव में ध्रुव 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 और बस इसे स्वभाव की रुचि लगे। यहीं से श्रद्धान की निर्मलता होगी, यहीं से ज्ञान की निर्मलता होगी और यहीं से जीव चारित्र को प्राप्त करेगा। लेकिन ध्रुव मात की लगन, ध्रुव मात का रुझान,
ध्रुव मात्र का सर्वत्र समर्पण हो, बस यहीं से एक ध्रुव रमणता की भावना हो, ये बस इस ध्रुव की निकटता से ही सारा कार्य होगा। ध्रुव को कहने से नहीं, ध्रुव को श्रद्धा ज्ञान चाहत के भेद से देखने में नहीं, मात्र ध्रुव को अभेदता से देखने में। ध्रुव 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 और ध्रुव, इस ध्रुव को जो अभेदता से देखेंगे उनको ही ध्रुव का अनुभव प्रकट होगा, और जिन्हें ध्रुव स्वभाव का अनुभव प्रकट होगा उनका श्रद्धान ज्ञान और चारित्र कैसे निर्मल होता जाएगा उन्हें खुद नहीं पता लगेगा, उन्हें तो आनंद की मस्ती है, उन्हें तो आनंद की मस्ती है, स्वभाव के आनंद की मस्ती, स्वाभाविक आनंद की मस्ती, स्वाभाविक आनंद की मस्ती। भैया ऐसा अपना ममल स्वभाव है, अनुमोदन करो अनुमोदन करो, ऐसा अपना स्वयं का ममल स्वभाव है, ऐसा अनंत गुणमय, ऐसा अपना चतुष्टयमय स्वरूप है, ऐसा उपदेश आचार्य भगवंत हमें भव्य जानकर, हमारी होनहार को देखकर, हमारी काललब्धि को पहचानकर हम भव्य जीवों को प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देख लिया है भव्य, हमारी भव्यता को देख लिया है, हमारे भावी तत्व को, हमारे भावी तत्व को उनकी दृष्टि में परख लिया है, अब हमारा अभी निर्माण होना निश्चित है, इसलिए तो ये संबोधन मिल रहा है। ये बस ऐसी सद्गुरुदेव की छाया बनी रहे, सद्गुरुदेव का आशीर्वाद बना रहे, सद्गुरुदेव जिस राह पे दिखा रहा है, चला रहे हैं, जिस राह पे आगे बढ़ा रहे हैं, जिस मार्ग को दर्शा रहे हैं, उस मार्ग को सारे विकल्पों को त्याग के, सारी उलझनों को छोड़ के उस मार्ग को अंगीकार करने की भावना बनी रहे, इससे ही भव्य जीवों का कल्याण होगा, इससे ही मुक्ति का मार्ग बनेगा, यही सद्गुरुदेव का हम समस्त भव्य जीवों के लिए एकमात्र उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रभा सद्गुरुवा तारण तरण मंडला आचार्य जी महाराज जी की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। जय हो।